अज असी थानू लेके चल रहे हैं श्री हेमकुंड कार सल्यूशंस। थिंक टुडे इंजॉय टुमोरो। हुण मोगा विखे पंजाब दा पहला जर्मन टेक्नीक नाल इंजन डीकार्बोनाइज सेंटर, इस नाल तुसी वाहन दी एवरेज वधा सकदे हो, इंजन दी उमर वधाओ, वाहन दी पिकअप वधाओ, काले धुएं तों छुटकारा पाओ, फ्यूल लाइन दी सफाई करवाओ, इंजन आवाज अते वाइब्रेशन घटाओ। साडी टीम ने इथों दे ओनर नाल गलबात कीती, जिन्होंने सानू श्री हेमकुंड कार सल्यूशन बारे विस्तृत जानकारी दित्ती। भाजी, ये कंसैप्ट इदा सीगा गल भी अजकल लोग जिनी भी नवी जनरेशन आ वो पंजाब नू छड़ छड़ बाहर भजदी आ, क्योंकि मेरी सोच ये आ, मैं खुद एक इंग्लैंड तो वापस आ के इत्थे काम कर रहा है, कुछ ये भी लोगों की जी जहन दे विच ये गल आ भी साडा काम आ जिहड़ा बहुत जल्दी होना चाहिए, टाइम अजकल किसी कोल नहीं हैगा। जिहड़ी ये कंसैप्ट आ, जिहड़ा ये मशीन हैगी आ, ये जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन आ जी, विदाउट कैमिकल, कोई कैमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं मशीन दे। जदों असीं गड्डी नूं मतलब डीकार्बोनाइज करते हैं 100% नाल दी नाल उहदी परफॉर्मेंस हैगी आ जी। मिनीमम तो मिनीमम असीं सजैशन करते हैं भी 70,000-75,000 किलोमीटर गड्डी चली होनी चाहिए आ, फिर वो गड्डी साढ़े कोल लै के आओ, असीं उहनूं डीकार्बोनाइज करांगे, करन तो बाद उहदा रिजल्ट तुहानूं 100% मिलेगा। जेकर बंदे ने चैक करना है उहदा पहलां पोल्यूशन करा लो, पोल्यूशन करा के साढ़े कोल लै के आओ। जदों असीं डीकार्बोनाइज करता 100+ किलोमीटर चलन तो बाद बंदा दोबारा उहदा मतलब पोल्यूशन करावे, उहदा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा जी। जी जदों मैं एक पंजाबी का छोटा जिहा टोटका तुहानूं मैं दस दिंदा, मान लो साडी छाती ते बलगम जम जाती है जी, बलगम असीं स्टीम लैके कढ दिंदे हैगे आ, तो साढ़े सह सौखा होने लग जाता। सेम प्रोसैस सर इस मशीन का हैगा वा, इस गैस ने हाइड्रोऑक्सी ने साडे जिहड़ी इंजन दे विच जिन्नी भी कार्बन जमी हुई है उहनूं मतलब स्मोक दे राहीं धुआं बना के अंदरों साड़ के सलांसर दे विच मतलब बाहर कढ देना जी सारा, तो सलांसर दे मतलब अंदरों इंजन सारा रैला हो जाना। रैला होने तो बाद गड्डी की पिकअप एवरेज साइलेंस मतलब बिल्कुल इंजन साइलेंट हो जाता है जी। नहीं वीर जी, इदा है गल, एक बार तुम डीकार्बोनाइज करा तो 20,000 किलोमीटर चला के गड्डी दोबारा फिर कराओ, मतलब 20,000 घट तो घट 20,000 चलूगी, 20,000 चाली जानी है गड्डी, उस तो बाद जी कार्बन जमूगी नाल दी नाल, जिवें तुसीं एक सर्विस करवाने उन्हें ना डीकार्बोनाइज करा ली, उस तो बाद नैक्सट सर्विस बिना डीकार्बोनाइज तो कराओ, जी तीजी सर्विस आ उहदे नाल डीकार्बोनाइज करवानी चाहिए आ। सर जागरूक है नहीं सीगे, जागरूकता है नहीं लोगों के, हुण लोगों के बहुत ज़्यादा जागरूक है, तो लोग करवा भी रहे हैं जी, बहुत काफ़ी लोग काम करवा रहे हैं। बाकी सर सानू एक ये हैगा भी मैं 2-3 महीने तो लगातार इतने काम करता आ रहा, जिवें कि मेरे मैनू रिस्पोंस बहुत वधिया मिलता पाया डेली दी, मान के चलो भी 6-7 गड्डियां दी एवरेज मैं आराम नाल सही तरीके नाल काम करके करता पाया जी। इसका ऐ गल भी जिन्ना भी कोई भी बंदा अपने तो काम करवाता पाया, असी फिलहाल तो कोई कार्ड किसी का बना नहीं रहे, पर यह भी सब के फोन नंबर असी रखे हुए आ, जिमें जिमें टाइम मतलब हो जूगा 5-4 महीने बाद असं अगले एक रिमाइंडर मैसेज जरूर पावे कि भाई जी थोड़ी गड्डी 20,000 किलोमीटर डीकार्बोनाइज करा तो बाद चल चुकी है तो तुम जरूर करवाओ। सर बिल्कुल बिल्कुल कंसेशन की जाऊगी, डिस्काउंट दिता जाऊगा जी। जिम्मे घर 5-4 गड्डिया जिन्हों को 5-4 गड्डिया घर वो कराते साढ़े को आके उन्होंने अभी डिस्काउंट भी दें जी, यही गल हैगी भी इको रेट से ही उन्होंने डिस्काउंट दें, उन्हें मान सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पोंस मिलता सर। इदा है जी गल, असी जिहड़े रेट रखे हुए बिल्कुल जेन्युइन रेट रखे, ये नहीं है भी किसी का कोई आ गया साढ़े को नवी मशीन वेख के और कपड़े उतार लिए, वो काम सर असी नहीं करना सर, जिन्होंने मर्जी पे नहीं नहीं कुछ नहीं है, इको रेट आ जी, इको रेट आ। सर मान के चलो जी सारा सिस्टम है जिहड़ा ये असी अपनी मशीन के सीसी इंजन प्लस जिनी थोड़ी गड्डी चली हुई है वह असी फील कर देना, मशीन ने आटोमैटिक टाइम जाना हूँ जी, ना असं 1 मिनट घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, अंदाजा मान के चलो कोई गड्डी 30 मिनट चकती है जी, कोई 40 चकती है, कोई 70 मिनट, मतलब असं किसी ज़्यादा टाइम बिठाते नहीं है, कम आई जाता नाल दी नाल करी जाने। बाहर की भी टेक्नीक है सर, इंग्लैंड दे विच मैं गैरेज दे विच काम करता सीगा, उत्थे मशीन लगिया हुई सी जी सारिया, सर उत्थे भी है। बाकी सर साडा ये खानदानी काम है जी ट्रांसपोर्टा का, साड़ी चौथी पीढ़ी है जी ट्रांसपोर्ट लाइन के, एक्चुअली असी सर ट्रांसपोर्ट लाइन में थोड़ा जहा छड़ चुके सीगे पहला, क्योंकि मैं सर रेफ्रिजरेशन लाइन का, मेरी मैनुफैक्चरिंग फैक्टरी है मोगे च,
सूद रेफ्रीजरेशन इंडिया हेमकुंड सूद रेफ्रीजर इंडिया के नाम से अकालसर रोड महावीर नगर के सर वो टोटल कमर्शियल लाइन का जिन्ना भी होटल लाइन के डिस्पले काउंटर आ भट्ठिया वा जी रेहड़ियाँ स्टील दियाँ ठंडे पानी वाले वाटर कूलर आ जी मोर्चरी मशीन है किसी तरह की भी कोई भी चीज़ है जी चिलर प्लांट है पानी वाले हर चीज़ असं मैनुफैक्चर करते हैं जी सर मैसेज रहूगा जी काम करवाओ तो कोशिश ये है भी बाहर ना भजो अपने देश के रहो अपने शहर के रहो इतने रह के मेहनत करो तो वधिया काम है जी एक सर होर लोगों गुजारिश करनी चाहूँगा भी कई मेरे वर्गे भरा बोल बोल के लोगों गुमराह करते वीडियो बनाते वो गुमराह रहो जिस किसी कंपनी ने कोई भी मशीन बनाई है जे USA ने जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन ओरिजिनल जिस बंदे को हैगी गड्डी खोलन की लोड़ नहीं हैगी कई बंदे कहते हैं जी इन गड्डी खोलो खोल के मैनीफोल्ड चैक कराओ कदे कुछ कराओ वो सर लोड़ नहीं हैगी लोग गुमराह करते बाकी सर साढ़े को एक मतलब तेल नू फ्यूल लाइन साफ करने वास्ते USA का लिक्विड हैगा आ वह मेरे ख्याल भी मोगे च की पंजाब दे वेच ही अपने कोले आ किसे कोले है नहीं गा जेकर अपनी गड्डी की एवरेज या इंजैक्टर वगैरह क्लीन करना चाहते हैं भी साफ रहे सदा लई तो वह साढ़े को स्पैशल हैगा आ वो साढ़े तो सर 100 ml 1100 rupees का जी वीर जी मेरे दोस्त हैं मोहम्मद जी ये साढ़े ए सी का इंजीनियर है ऑलरेडी ये दुबई के भी 5-6 साल ये ए सी का काम करके आए हुए हूँ इन्होंने दुबई छड़ के ये मोगे के साथ नाल एक अभी सारी साड़ी टीम आ पूरी की पूरी ये साढ़े पप्पी वीर जी नाल मैडिकल का काम कर मैडिकल काम करते जी ये साढ़े सीनियर आए साढ़े वीर भी आ मित्र भी आ नाल डेंटिंग पेंटिंग का काम भी इन्हों का सी ये भाई साहब साढ़े नाल पेंटिंग का पेंटर मेन हैड पेंटर आ जी ये।